अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 5 साल की बच्ची की फ़्रॉक तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने इसकी पेटी की लंबाई 11 इंच ली है, चौड़ाई 16 इंच ली है, बाजू की लंबाई 13 इंच ली है, दामन की लंबाई 20 इंच और चौड़ाई इसकी 30 इंच ली है। अब हम इसकी पेटी पे 2-2 इंच के फासले पर लेस लगाएंगे। इस तरह से दरमियान का निशान हमने पहले से लगा लिया था। अब इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखें, हमारी पेटी पे लैस लग चुकी है। अब हम गला तैयार करेंगे, जिसके लिए 5 इंच लंबाई में और 3 इंच चौड़ाई में चिपस काटेंगे। ये देखिए, हमारा गला तैयार है। अब हम कपड़े पे चिपकाएंगे, प्रेस कर लेंगे। चिपस की मदद से हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी तैयार की है, इसे दरमियान में अटैच करेंगे और सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, हमारी पट्टी अटैच है। अब हम गला इसके ऊपर गला अटैच करेंगे और दरमियान की सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमारा गला अटैच है। अब हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। क्या हमारा गला बिल्कुल रेडी है। अब हम बैक का गला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने दरमियान में कट लगाया। ये देखिए, हमारा बैक का गला तैयार है। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम तीरा अटैच करेंगे। ये देखिए, हमारा तीरा अटैच हो गया। ये देखिए, हमारी पेटी बिल्कुल तैयार है। अब हम बाजू अटैच करेंगे। ये देखिए, हमारे बाजू अटैच हो गए हैं। अब हम बाजू के ऊपर लैस लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे इस तरह, एक के बाद एक लगाते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से लैस लगाते जाएंगे। ये देखें, हमारे दोनों बाजू बिल्कुल तैयार हैं। अब हम दामन तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम समोसे लैस लगाएंगे, इसके बाद ज़िगज़ैग, इसी तरह से हम तैयार करते जाएंगे। इसी तरह से एक के बाद एक लगाते जाएंगे। ये देखें, हमारे दामन बिल्कुल तैयार है। अब हम दामन वाले कपड़े को प्लेट्स की मदद से पेटी वाले कपड़े के साथ अटैच करेंगे। ये देखें, इस तरह से प्लेट डालेंगे।
तरह से प्लेट डालते जाएंगे। ये देखें हमारी फ्रॉक पे लेस लग चुकी है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है, कितनी प्यारी लुक आई है।